अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SM पावर पॉइंट और मैं हूं सदाकत महमूद। सर्दियां आते ही आरफ वाले में तैयार शुदा देसी गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। बादाम, मूंगफली, पिस्ता, देसी घी और खुश्क मेवाजात से तैयार होने वाले गुड़ आरफ वाला की पहचान बन रहे हैं। मज़ीद देखें मलिक शफीक अहमद की इस रिपोर्ट में। सर्दी का मौसम आते ही आरफ वाला और इसके गिरदो नवा में तैयार शुदा देसी गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। सर्दी की ये सौगात गन्ने के रस, मूंगफली, बादाम, पिस्ता, देसी घी और मुख्तलिफ मेवाजात से तैयार की जाती है, जो कि सर्दी की शिद्दत में कमी के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। गुड़ बनाने वाले कारीगर मोहम्मद बिलाल का कहना है कि हम अरसा 20 साल से ये काम कर रहे हैं। देसी गुड़ खरीदने के लिए शहरी दूर दूर से आते हैं। हम खालस गन्ना तैयार करके अपने खेतों में इसे जा कर लाते हैं और खालस तैयार करके सही देसी गुड़ बनाते हैं और मेवा जात इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह जी, बड़ा ज़बरदस्त गुड़ है, अच्छा बने हुआ है। इलायची, बादाम पा के गुड़ बनाया है, खुशबू बड़ी प्यारी सी थी। खादा है, थोड़ा चेक कर रहा है, तो मज़ा आया। घर भी लैके जावांगे, बच्चों वास्ते भी, भैन भरावों वास्ते भी। इसी गुड़ खुद लैन वास्ते आए हैं, लैके चले हैं, तो तोहफे वास्ते भी लैके चले हैं। तोहफा भी देने जाके लोगों को अच्छा गुड़ है। खरीदारों का कहना है देसी गुड़ हम खुद भी खाते हैं और सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। जबकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सर्दी की ये सौगात ना सिर्फ सर्दी की शिद्दत में कमी करती है बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी मुफीद है।